नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। क्या क्वालिफिकेशन है? 12th कंप्लीट। आप 12th कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब 12th कंप्लीट कर चुके हो, स्टडी कर रहे हो, मतलब आप अपना अच्छा बुरा आप समझ सकते हो, तो कैसा माहौल लगा आपको डेरे के? बहुत बढ़िया है माहौल, इतने लड़कियाँ ने बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है। आप यहाँ पे सुरक्षित हो? मीडिया चैनलों पर देखा होगा क्या कुछ दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मीडिया चैनलों पर सारा कुछ झूठा दिखाया गया है, इतने एक कुड़ियों ने बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा। आप कहते हो संत जी के यहाँ पर जो भी दिखाया गया है वो झूठ दिखाया गया है, समाज भलाई के लिए कुछ योगदान रहा है संत जी का? बहुत। क्या योगदान रहा है? श्रीदान करना, सफाई अभियान, ब्लड डोनेट, और दीन दुखियों की मदद करना, शाही बेटियाँ अपनाना, और बहुत सारे नेगे कार्यक्रम। संत जी ने शरीर भी दान करवाए हैं। हाँ जी। क्या करा जाता था वो बॉडी डोनेट का? बॉडी डोनेट के जड़े भी मतलब किसी भी शरीर के सेफ्टी सेफ से अंग वो किसी जिन्होंने लोड होंगी से अंगा ने उन्होंने दिते जाते। सरकार से क्या अपील करोगे? ये कि बस पिते जी ने जल्द से जल्द रिहा कर। लगता है संत जी की समाज को जरूरत है? बहुत। क्यों जरूरत है आखिर? जरूरत उन्होंने समाज की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि पिता जी हमेशा मतलब चंगे लिए हुए सारा कुछ करते नेगे, तो हमेशा सही रास्ते थे अपने बच्चों को गाइड किया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हो बींग अ यूथ ही अपने आप को यहाँ सेफ फील करती है, बींग अ गर्ल एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत बड़ा बयान है कि एक छात्रा का जो कि अभी यूथ है और यूथ का इतना बड़ा बयान, साथ ही महिलाओं का जो आ रहा है, लगातार नए चेहरे सामने आ रहे हैं, इनको ना देखा अनदेखा नहीं करा जा सकता। साथ ही शरीरदान जो संत जी ने करवाया है वो काबिले तारीफ है। कहते हैं कि दधी जी ने सिर्फ अपना शरीरदान किया था तो आज लोग उनको पूजते हैं, आज उनको मानते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ किया था, मगर यहाँ 6 करोड़ लोगों के शरीरदान संत जी ने करवा दिए, फिर आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये था डेरा सच्चा सौदा का असली सच। बहुत बहुत धन्यवाद।